बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले अनगिनत दुरूद व सलाम नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असहाब पर और आपकी अजवाज पर। प्यारे नाज़रीन, हमारा आज का वीडियो भी बहुत ही अहम और हसास मसले के ऊपर है और वो मसला है औरतों में अठरा का मसला। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक और आम मसला है औरतों के लिए, क्योंकि इसमें अगर औरत हामला हो जाए तो हामला होने के एक दो मंथ बाद ही बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है, और अगर खुदा बच्चा जो है वो पैदा हो भी जाए तो वो बच्चा ज़िंदा नहीं रहता, वो बच्चा फौत हो जाता है। तो इसका नहायत ही आसान इलाज, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ असाबी तहरीक में अठरा का इलाज जो है वो बताया था। अगर आपको वो मसला है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप वाच कर सकते हैं और नुस्खा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो गर्म तहरीक के मरीजों के लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिएगा और नुस्खा बनाने का तरीका भी समझ लीजिए, इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़िंदगी में अठरा का मसला बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए वो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके। प्यारे नाज़रीन, अब बात करते हैं गर्म तहरीक में अठरा के मसले के ऊपर। इसका कैसे पता लगाया जाए, इसकी क्या अलामत हैं कि इस औरत को जो है वो गर्म तहरीक में जो है अठरा का मसला है। नाज़रीन, ऐसी औरतें जो है वो गर्म चीज़ों की शौकीन होती हैं, फास्ट फूड कसरत से इस्तेमाल करती हैं, भुना हुआ गोश्त और तली हुई चीज़ों का वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। उसकी वजह से जो है वो गर्मी जिस्म में बढ़ जाती है और जिस्म में जो है वो सुजाक का जहर जो है वो उसकी ज़्यादती हो जाती है। इसको कहते हैं सुजाखी अठरा। जो हमने असाबी तहरीक में बताया था वो है आतशक की वजह से अठरा, और ये है सुजाक की वजह से अठरा। तो ऐसी औरतों की ज़ुबान जो है वो भी सुरख होगी और पेशाब का रंग जो है वो भी जर्द होगा, क्योंकि जिस्म में गर्मी कसरत से होगी। और जो लकोरिया का मसला है, वो लकोरिया का जो पानी है वो भी जो है बदबूदार होगा और पेशाब में भी स्मेल होगी। तो इसका नहायत ही आसान इलाज है, पहले तो आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, गोश्त तली हुई चीज़ों से, भुनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें, सादा खुराक का इस्तेमाल करें, और साथ में ये नुस्खा आप लोग इस्तेमाल करें जो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको अच्छी तरह आप लोग नोट फरमा लें। इसको बारीक पीस कर आपने सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल कब करना है, खाली कोख यानी कि खाली पेट, हामला होने से पहले तीन मंथ इसका इलाज आप लोगों ने करना है, सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह अठरा का मसला नहीं रहेगा। और साथ में ये दूसरा नुस्खा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, इसको भी बारीक पीस कर आपने जो है वो चने बराबर जो है वो गोलियां इसकी बना लेनी, और एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली शाम को इसकी पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ये दोनों नुस्खे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अठरा का मसला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।